السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لعلى عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ جنابي صدر شيخ أستاذ الأساتذة شيخ مشايخنا فضيلة الشيخ حفيظ الرحمن الأعظمي العمري المدني حفظه الله وتولاه الله أور मरकज हुदा उडुपी कर्नाटक के रुहरवा बरदरम डॉक्टर परवेज अहमद नकवा उमरी मदनी इस रिफ्रेशर कोर्स में शामिल उलमाए एगाम और तमाम मुस्तफीदीन तलबा आज के इस हफ्ले इख्तितामी में शिरकत करते हुए मुझे बेपाया मसरत और ख़ुशी महसूस हो रही है ब्रादरम परवेज़ की काविशें लगातार नज़र से गुज़रती रहती थीं और उनके नशातात, ख़ास तौर से इल्मी नशातात और तलबा के ताल्लुक से हिंदुस्तान और नेपाल और पूरे बर के हवाले से मदारस के तलबा के लिए जो उनकी काविशें हैं और जो मेहनतें वो कर रहे हैं अल्लाह रबुलमी उनको बारावर बनाए उनके जहूद को क़बूल फरमाए आज की इस हफल खफल खिता, खितामी में मुझे सीरत की एक किताब या एक किताबचा सीरा के नाम से जो अरबी ज़ुबान में लिखा गया है शेख हैसम सरहान का तालीफ करदा उसका उर्दू तर्जुमा जो मरकज़ दारदा उठबी ने शाय किया है उससे मतलक़ कुछ बातें अर्ज करने की अर्ज करने का हुक्म दिया गया है सरत तयबा बहुत जरखेज़ मौजू है और ख़ास तौर पर जिन हालात से इस वक्त आलम इस्लाम गुज़र रहा है इसमें ज़रूरत है इस बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को बेहतर से बेहतर उसलूब में अवाम नास के सामने पेश किया जाए सीरत तैयबा के तमाम पहलुओं को अच्छे अंदाज़ में ज़माने से जो मिलता हुआ ज़माने की मिजाज से मेल खाता हुआ अंदाज़ इख्तियार करके सीरत तयबा को नए अंदाज़ में पेश किया जाए इसकी बेइंतहा ज़रूरत है ख़ास तौर से बर सगीर के अंदर सीरत तयबा पर किताबें अल्लाह के फजल करम से बहुत सारी मौजूद हैं बल्कि ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जिन पर पूरा आलम इस्लाम आज तक फख्र कर रहा है कादिर सलेमान सलमान मंसूरपूरी अल्लाह गरीक रहमत करे उनकी किताब मार्कतुल आरा किताब रहमत लालमीन और महर नबूत मतवल और मख्तसर जिस अंदाज़ में उन्होंने लिखा और जिस फरत अकीदत में डूब कर उन्होंने अपने कलम को जुम्बिश दी उसका नतीजा है कि ये इस इन किताब उनकी तालीफात को और ख़ास तौर से रहमत आलमीन को अरब आजम में यकसा मकबूलियत हासिल हुई एक से ज़ायद अरबी तर्जुमे उसके किए गए और उनकी तहकीक आज भी सीरत के बाब में मतबर गर्दानी जाती है और पूरी दुनिया में जहाँ भी सीरत पर काम होता है उनके हवाले के बगैर बात मुकम्मल नहीं समझी जाती सैरत तयबा पर बहुत सारा काम हुआ है लेकिन ज़रूरत थी कि निसाबी तौर पर या निसाबी सरगर्मियों से जुड़ा हुआ एक मुख्तसर सा किताबचा तैयार किया जाए जो दीदा जेब अंदाज़ में पुरकशिश अंदाज़ में और नए मेर और जवाब को सामने रखते हुए मुख्तर तरीक़े पर अल्लाह के रसूल सल्हसम की सीरत के तमाम पहलुओं को पढ़ने वाले के सामने पेश करें इस ज़रूरत को महसूस करते हुए शेख हासिम सरहान जो एक मरूफ़ और मकबूल नाम है जिन्होंने अल्लाह के फ़लोक करम से इस मैदान में मख्तल फ़नून में जदीद मिजाज को सामने रखते हुए जदीद तकाज़ों से हम आहंग मख्तसर तालीफात लिखी और जमात अल की जो नुमाया किताबें हैं अकीद के अंदर सीरत के अंदर फ़िक्र के अंदर इन पर उन्होंने तवज्जो की और नए अंदाज़ में जदाविल की शक्ल में उनको मरतब करने का एक बेड़ा उठाया उनकी किताबों को मैं इससे पहले भी आगाह रहा हूँ शर्फ़ कबूलीत हासिल हो, 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 होती रही है और मुख्तलि आलमी ज़बानों में उनकी माललफात के तर्जमे होते रहे हैं शेख हैसम सरहान ये सऊदी अरब के एक नामवर आलमी दीन हैं सलफ़ी आलमी दीन हैं शेख अमनसैमीन शेख शेखनबाज़ रहम् इसी तरीके से शेख उमर शेख उमर मोहम्मद फल्लाता रहमुल्ल और शेख अलबानी रह ये उनके उस में से हैं इन तमाम से उन्होंने किसी न किसी तौर पर कस्ब फैज़ किया है और ये पुख्तगी उनकी तालीफात के अंदर उनकी काविशों के अंदर भी कही न कहीं ना कहीं झलकती हुई नज़र आती है अल्लाह अल्ला रबुलमी उनकी काविशों को बाबरकत बनाए और मज़ीद दर मज़ीद उन्हें इस बाब में खिदमत अंजाम देने की तोफ़ता फरमाए शेख हैसम सरहान जहाँ एक तरफ मरूफ मुलफ़ हैं वहीं साथ में वो वजारत सूल इस्लामिया के दाई भी हैं सन 1430 हिजरी से वो दाइया के वजीफ़े पर काम भी कर रहे हैं मुख्तल किताबों की तदरीस का फरीजा अंजाम दे चुके हैं तजरबा तदरीस के मैदान में काफ़ी वसी इनका है इन्होंने अब्दरसमहम शेख नवाज़ रहम् की इसी तरीके से मनहजसालिकीन शेख सादी रहमल की इसी तरीके से जादुलमस्तना इब्न मिनम के शर शरम के साथ साथ उन्होंने उसकी भी तदरीस की है उसूल फ़िके के अंदर नज़मक़ात और शेख इबन ि रहम्ह की मशहूर किताब अलूल मिनूल इल इसको भी उन्होंने पढ़ाया है अल्कवादिया शेख सदी की औरबियाद तो इस तरीक़े से मुख्तलिफ़लू फ़नून के की तदरीस का भी उनको तजर्बा हासिल है और अपने इन तमाम तजर्बात की रोशनी में इन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठाया कि नई नस्ल तक मालूम को साइंटिफिक तरीक़े से मनकीत के साथ मुख्तर अंदाज में मौसक मालूम कैसे पहुँचाई जाएँ और इसके लिए उन्होंने जदाविल की शक्ल में टेबल बना करके उन्होंने बहुत लंबी लंबी तफसी को एक सफ़े में दो सफ़े में समेट कर रखने की कोशिश की है और इसी काविश का एक हिस्सा उनकी ये किताब अमुखसर मुख्तर सीरा है जो सीरत के मौजू पर है अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम की शमाइल यानी आपल वसलम के औसाफ़े खुलकिया और खलक़िया और इसी के साथ साथ आपल वसलम की सीरत तय्यबा के आम पहलू आपकी पैदाइश आपकी विलादत आपके कबीले के बारे में आपके आमाम आपके चचा आपके खानवादे का तस्करा इसी तरीके से आप आप्ल की परवरिश कैसे हुई आप ने बचपना कैसे गुजारा फिर आप जवानी की दहलीस पर कैसे पहुँचे फिर आप की शादी कैसे हुई महतरमिन का तस्करा वही के मराहल इसी तरीके से मक्के मक्की ज़िंदगी मदनी ज़िंदगी फिर जहाद का हुक्म कब नाजुल हुआ गजबात की तादाद कितनी है यानी तकरीबा तकरीबन सरत तय्यबा के तमाम पहलुओं को इन्होंने तकरीब बावन सफ़े की ये किताब मेरे सामने है जिसका उर्दू तर्जु इक्यावन सफे की ए, के अंदर उर्दू ज़बान में इसका तर्जुमा मेरे सामने है उन्होंने इस मुख्तर से सफहत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्ह वसलम की सीरत तय्यबा के तकरीबन तमाम पहलुओं का अाता करने की हतमकदूर कोशिश की है और मौसू तरीन मालूम को पेश करने की शदत हासिल की है और जैसा कि आपको मैं एक फहरिस्त का एक अंदाज़ा बताता हूँ कि उन्होंने उनकी फहरिस्त से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस मुख्तर से किताबचे के अंदर सीरत के तकरीबन तमाम पहलुओं को शामिल कर लिया है मुकदमा है उसके बाद नबी वसल्लम के शमायल हैं नबी सल्लम की सीरत और तरीक़ा फिर नबी वसल्लम की खसूसियात आपल वसल्लम की बीवियाँ कराबतदार बेसत से पहले आपकी ज़िंदगी वही की इब्तः अहद मक्की मदनी नबी सल्लम के गजबात का खुलासा इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और वफात ये फहरस्त आनावीन है अब आप, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने दरिया को कूजे में समेटने की कोशिश की है इसी तरीके से इस किताब की खसूसियत यह है कि उन्होंने इस इक्यावन सफ़े के अंदर अलग अलग अज्जा मुतिन करने के बाद उनके बच्चों के जहनी मुस्तवा को नापने के लिए मालूमात किस हद तक पढ़ने वाले के जहन में मरकूज़ हो पा रही हैं इसको देखने के लिए उन्होंने टेस्ट रखे हैं तो तीन टेस्ट इन्होंने अलग अलग जगहों पर इस किताब के अंदर रखे हैं और उन टेस्ट के अंदर जो उस उन तमाम टेस्ट के अंदर जो सवालत उन्होंने रखे हैं वो मारूजी किस्म के सवाल हैं जिसमें कहीं निशान लगाना है कहीं इख्तियार करना है इस तरीके का उन्होंने रखा है जिससे इसका इफादा बड़े पैमाने पर और बहुत वसी पैमाने पर और खास आम तक इसका जो है फ़ायदा पहुँचने की तो है इनशाला ये किताब हकीकत में महर नबूवत के बाद मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़ुबान में अब तक मेरी नज़र से गुजरी हुई सबसे जामिया किताब है सीरत पर महर नबूवत में और इसमें फ़र्क यह है कि मोर नबूवत को एक आम सरसरी अंदाज में पेश कर दिया पेश कर दिया गया है उसके अंदर पूरे वाकत को और इसके अंदर जरा साइंटिफिक तरीक़े से टेबल्स बना करके और मौसू तरीके पर मालूम को आ, मुलवन शक्ल में यानी कलर्ड प्रिंटिंग है माशाल्लाह कागज़ भी बहुत उम्दा है और कलर्ड प्रिंटिंग है जिसकी वजह से पढ़ने वाले की तवज्जो उस पर अच्छे तरीके से मरकूज़ हो सकती है और उसका जहन अच्छे तरीके से मालूम को कैच कर सकता है तो इस तरीके से ये किताब शेख हसन सरहान की एक काबिल क़द्र काविश है इसका तर्जुमा हमारे अजीज़ डॉक्टर डाक्टर रहमान साहब मदनी हफ्ला ने किया है और नजर षानी जमात के मरूफ़ आलिम मौलाना अशफाक सलफ़ी हफ्ला ने किया है और तर्जुमा भी जिस तरीके से किताब की अहमियत अपनी जगह पर है इसी तरीके से तर्जु भी बहुत बावकार है और बहुत ही महतम शान तरीके से तर्जुमा को भी पाया तकमिल तक, तक पहुँचाने की कोशिश की गई है तो ये किताब मैं समझता हूँ कि मरकज़ दारुलहुदा ने इसको अपने अपने अपने, अपने यहाँ शाए करके और उस किताब को अपने यहाँ इफाद आम के लिए नशर करके उन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है अल्लाह अल्लाबालमीन मुसन्फ़ को मुतरजम को और नाशिर को और तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस किताब की तबात में किसी भी तौर पर दाम दिल में क़दम सुखन हिस्सा लिया अल्लाह रब्लम उनकी काविशों को कबूल फरमाए और अखिर में मैं मरकजारहुदादब्पी और ब्रदरम मरकजुदा के रूह रवान डॉक्टर परवेज नकवा का तहदिल से शुक्रगुजार हूँ इसी तरीके से इस रिफ्रेशर कोर्स में जितने लोगों ने शमूलीत कीम कराम और कराम के साथ साथ जितने भी मुशारकिन हैं उन सब का मैं तहदल से शुक्रिया अदा करता हूँ अल्ला रब्मी इस कोर्स को हम सब के लिए मुफीद बार आवर और समर आवर बनाए अल्लाह रब्लम इस किस्म के दौरे बराबर इनके इनका की हमें तोफी अतः फरमाता रहेमीन सदर मोहतरम शेख हफिज रम्मानी हफिजाल्ल की उम्र में बरक़त रब्बुल आलमीन उनकी उनका साया हम पर तादी कायम रखे वसल्लम अला नबीना महम्मद व वस अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व तबरक और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें